बिहार में स्पीकर विजय सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई बहस के चलते सोमवार को दिन में जहां राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा, वहीं शाम को राजनीतिक टेम्परेचर और बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही सदन की कार्यवाही खत्म हुई उसके तुरंत बाद सीएम नीतीश ने एक के बाद एक दो मीटिंग की। पहली कानून व्यवस्था को लेकर और फिर उन्होंने राज्यपाल फागुन चौहान से मुलाकात की। इसके बाद कयासों और अटकलबाजी का दौर भी शुरू हो गया। बिहार विधानसभा में हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार शाम राजभवन पहुंचे। करीब 20 मिनट तक उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई। राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन उनकी यह शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को गुलदस्ता भेंट किया। बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। एक अनुमार्ग स्थित संकल्प में यह समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक ने विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के कार्य को बेहतर तरीके से समय पूर्व कराया जाए ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा सके, अपराध अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की कोताही न हो। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि होली और आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतते असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, प्रमुख सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एस के सिंगल, अपर प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन सह गृह चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार मौजूद रहे। देशवा न्यूज के लिए पटना से रंजीत सम्राट की रिपोर्ट।